ऐतिहासिक नगरी महेश्वर में आयोजित 3 दिवसीय निमाड़ उत्सव के अंतर्गत तीसरे दिन 17 नवंबर को बालिका वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं नर्मदा तट पर स्थित परिसर में महिलाओं की रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उत्कृष्ट ग्राउंड मैदान पर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। विदित हो कि अमेरिकन NRI पूजा सारडा अपने पति प्रिय सारडा एवं बेटे बेटी के साथ निमाड़ उत्सव एवं विशेषतः बालिका वर्ग की कबड्डी प्रतियोगिता हेतु महेश्वर आए। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति सर्वोपरि है, हमें अपने देश अपनी संस्कृति पर सदैव गर्व होना चाहिए। इसी प्रकार से नर्मदा तट पर किला परिसर में महिलाओं एवं बालिकाओं ने किला परिसर में रंगोली प्रतियोगिता में उत्साह पूर्वक सहभागिता कर माँ अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्मदिन की थीम पर आकर्षक एवं सुंदर रंगोलियां बनाई, जिसे देखकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो गए। अत्यंत ही आकर्षक रंगोलियां माँ अहिल्याबाई होलकर जी के व्यक्तित्व पर बनाई गई। किसी ने नर्मदा जी के साथ माँ अहिल्या के चित्र को उकेरा तो किसी ने हाथ में तलवार लेकर वीरांगना के रूप में माँ अहिल्याबाई को प्रदर्शित किया। समस्त रंगोलियां अहिल्या जी के अलग अलग स्वरूपों को बयां करती दिखाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। बहुत शानदार ये मुकाबला चलता हुआ। 19 आप आइए। नाम कौन से स्कूल से बताना था? अपना नाम बताएं, अपना नाम बताते रहे और नाम के साथ अपना स्कूल का परिचय दे। मैं अतिथि परिचय के पश्चात यहाँ पर शीघ्र ही प्रथम मेज खेला जाएगा और उसके पश्चात यहाँ पर मेज रहेंगे। और आज अंतिम दिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इन भी खिलाड़ियों ने या जो विभिन्न प्रतियोगिताएं यहाँ पर इन 3 दिवसों में आयोजित की गई उन सबके पुरस्कार वितरण फल मिलने वाला है। आपने जो यहाँ पर अपने खेल का जोहर दिखाया है उसमें जो विजेता टीमें रही है या एकल वर्ग की जितनी भी प्रतियोगिताएं हुई है उसमें जो भी विजेता और उपविजेता रहे हैं उन सभी को आज पुरस्कृत भी किया जाएगा अहिल्या घाट परिसर से। और भव्य कार्यक्रम में आप सब खेल एवं युवा कल्याण विभाग से जो टीम भी लगातार यहाँ पर मेट की व्यवस्था में लगे रहे श्री राकेश भालते जी, उनका भी विकास चौहान जी, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मंच से, जो अपना सहयोग यहाँ पर प्रदान किया है उन्होंने। साथ ही तमाम हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।